दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ईस्टमैन 1400 VA सोलर प्रो इन्वर्टर में सोलर कैसे अटैच करना है और अटैच करने के बाद डिस्प्ले में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए आप जो इसका सेटिंग है वो कहाँ कहाँ पे है। अभी इंटेलिजेंट मोड में है और चार्जिंग करंट स्टैंडर्ड मोड में है, ट्यूबलर पे है, ठीक है। मेनली अभी देखना है कि सोलर अटैच करने के बाद आपका कौन सा मोड में इन्वर्टर है, सोलर इंटेलिजेंट मोड में या फिर हाइब्रिड मोड में। ये हो गया बैटरी वाला, ये हो गया आपका चार्जिंग करंट वाला स्टैंडर्ड मोड में, और ये है सोलर वाला। देखिए इसको थोड़ा सा हम और अच्छे तरीके से आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कन्फर्म हो गया कि अभी जो है इंटेलिजेंट मोड में है, इंटेलिजेंट या सोलर दोनों एक साथ अटैच किया हुआ है। ये साइड देखिए चार्जिंग ग्रिड चार्जिंग जो है वो इनेबल है, इनपुट वोल्टेज वाइड है, वो आगे डिस्प्ले में शो करेगा और होम अवे आउट है। और ये जो है LED है रिवर्स पैनल कनेक्शन का, अगर पैनल कनेक्शन का वायर ये देखिए PV रिवर्स वायर उल्टा लग जाएगा तो वहाँ पे लाइट जलने लगेगा, ये जो लाइट है LED वो जलने लगेगा। बाकी यहाँ पे शो किया हुआ है PV प्लस PV माइनस, तो येलो वाला प्लस है और ब्लैक वाला माइनस, दोनों वायर की गेज सेम है। देखने में लग रहा है कि एक पतला है एक मोटा है, बट वायर की गेज सेम है। और देखिए बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ है, यानी कि कनेक्शन अच्छे तरीके से लगा हुआ है। क्या है कि ये जो है ब्लैक वाला ये हैवेल्स का वायर है और येलो वाला जो है वो राजधानी ब्रांड का वायर है, तो दोनों का प्लास्टिक में डिफरेंस है बट वायर का गेज दोनों सेम है और गेज जो है वो 10 mm का है, ठीक है। तो देखिए अभी कनेक्शन हमने कर लिया है और अब डिस्प्ले पे देखिए क्या डिस्प्ले पे आ रहा है। एक देख लीजिए और चीज़, यहाँ पे रिकमेंडेड बैटरी का एम्पियर आवर 180 है, 180 से कम का बैटरी इसमें नहीं यूज करना है, 180 एम्पियर से नीचे नहीं यूज करना है, उसके ऊपर आप जा सकते हैं 250, 300, 320 तक जा सकते हैं। अब डिस्प्ले पे आइए, देखिए क्या क्या शो हो रहा है। ये देखिए ये PV हो रहा है, ये देखिए OP यानी कि आउटपुट, ये 49.7 Hz 50 Hz तक जाता है, वोल्टेज है, इनपुट का हर्ट्स बता रहा है, BPS ये देखिए, IT इंटेलिजेंट मोड है वो IT शो कर रहा है, बैटरी का वोल्टेज शो कर रहा है 13.0 एम्पियर, PV का देखिए यानी कि जो सोलर है उसका एम्पियर शो कर रहा था 13 point something अभी आ रहा है ये देखिए। लेकिन अभी क्या है, इन्वर्टर दोनों मोड पे है, यानी कि अभी करंट भी ले रहा है और सोलर भी ले रहा है, दोनों से चार्जिंग शेयर कर रहा है। क्योंकि देखिए एक सेकंड दिखाते हैं आपको बढ़िया से, दोनों से चार्जिंग शेयर कर रहा है दोस्तों, ठीक है ना। ये देखिए ये यहाँ पे साइन आ रहा है प्लग का, ये AC ले रहा है इंटेलिजेंट मोड में है और नीचे सोलर का साइन आ रहा है। बैटरी का वोल्टेज देखिए 13.0 और PV 13.7 एम्पियर आ रहा है, यानी कि सोलर से 13.7 एम्पियर आ रहा है, बैटरी का वोल्टेज 12.3, ये देखिए अभी PV 13.9 एम्पियर आ रहा है, यानी सोलर 13.9 एम्पियर और आउटपुट 217 वोल्ट है, इनपुट 0.0 है। अभी देखिए सोलर पे चल रहा है, बैकअप मोड में है, सोलर से चार्जिंग आ रहा है और ये बैकअप दे रहा है। ये देखिए डिस्प्ले में आप देख करके समझ, देखिए 13.9 एम्पियर सोलर से आ रहा है और आउटपुट वोल्टेज जो है 217 वोल्ट AC बना करके दे रहा है, इनपुट देखिए 0.0 है, यानी कि अभी इलेक्ट्रिक नहीं है, इंटेलिजेंट मोड है। और देखिए वाइड का सिंबल आ रहा है, वाइड मोड में है, अगर नैरो कर दीजिएगा तो नैरो का सिंबल आएगा, ठीक। हमने बताया था कि हमारे पास 150 वाट का टाटा पावर सोलर है, यानी 300 वाट का, तो एक सोलर अराउंड 9 एम्पियर देता है, दो सोलर मिला के 18 एम्पियर के अप्रोक्सीमेटली हो जाता है, तो उतना के रेंज में मतलब 16-17 के रेंज में एम्पियर हमको मिल जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अभी जैसे जैसे मुझे इसके बारे में जानकारी मिल रहा है वैसे वैसे हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, और आगे जैसे इसके बारे में और जानकारी मिलेगा हम और चीज़ आपको बताते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।